Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about ASRB-NET examination tips to crack and what should be your preparation strategy for the ASRB-NET examination या ICAR examination के बारे में आपकी strategy क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं discuss करने वाला हूँ. So ICAR examination जैसा कि इससे पहले जो मैंने video upload किया था उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे form fill कर सकते हैं, कैसे apply कर सकते हैं, क्या 57 categories होती हैं, दो part में exam होते हैं, pre exam होता है, mains exam होता है, pre और mains को कैसे tackle करना है उसमें मैं इस video बताऊँगा और कैसे आपके tips क्या strategies होनी चाहिए उसके बारे में मैं discuss करूँगा. तो चलिए start करते हैं इस video tutorial के लिए. तो आप लोग जो मैं polls generate करता रहता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में अपने चैनल से उस पोल से जुड़ सकते हैं, स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं. अगर आप गेट टारगेट कर रहे हो या डीबीटी टारगेट कर रहे हो या सीएसआई टारगेट कर रहे हो, स्मार्ट लर्निंग एकेडमी पे मैं क्रैश कोर्सेज चलाता रहता हूं तो आप लोग जुड़ सकते हैं उसके लिए भी अगर आप वो टारगेट कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है. टिप्स एंड ट्रिक्स तो कुछ ट्रिक्स की बात करता हूं, व्हाट शुड बी योर ट्रिक्स. चलिए सो व्हाट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. कहते हैं कि जो बीत गई सो बीत गई, उस बात को लेकर रोना क्या, जब मानुष जीवन पाया है फिर पाना क्या और खोना क्या. तो जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए. आपके पास जितना टाइम है ना उतने में भी आप कर सकते हो. स्टार्ट फ्रॉम नाउ. नाउ इट इज अ गुड अल्टरनेटिव फॉर द CSIR नेट लाइफ साइंस. CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए एक गुड अल्टरनेटिव है. उसके अल्टरनेटिव आप दे सकते हैं कीप सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सको क्वेश्चंस को, वो करते रहिए और अपने आप को एनालाइज करते रहिए कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आपको ये ज़रूरी है जानना कि आप अपने जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, क्या वो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहा है, क्या जो आप कल थे और जो आप आज हो उसमें कुछ डिफरेंस है. तो इसके लिए आपको एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट गो थ्रू रिस्पेक्टिव सिलेबस यू आर ऑप्टिंग फॉर द ARS नेट. जिस भी आप टारगेट कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चरल बायोटेक ने, चाहे बॉटनी, चाहे वेटनरी, चाहे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, उसके रिस्पेक्टिव सिलेबस पे जाइए आप और उस रिस्पेक्टिव सिलेबस से आप पढ़ने की कोशिश करिए. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो ट्यूटोरियल में. नाउ प्रिपेयर द टॉपिक विद द ग्रेजुएशन लेवल बुक्स. नो नीड टू स्केल अप द लेवल ऑफ कंटेंट CSIR लेवल. एग्जैक्टली गाइस, कि CSIR लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं प्री में और 120 मिनट मिलते हैं. तो इसको क्लियर करने के लिए मेरे शेर, इसके लिए CSIR जैसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता. पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट लेवल का. कैसा? दैट इज व्हाट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको बैचलर्स लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से तैयारी करनी है आपको. प्रिपेयर द टॉपिक विद द ग्रेजुएशन लेवल बुक्स एंड रिफर द गुड टेक्स्ट बुक फॉर द क्लियरिंग कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए गुड टेक्स्ट बुक का यूज करें. जैसे कि कई सारे बुक्स आपके अवेलेबल हैं, मैं अभी आपको उनको बारे में भी बताऊंगा सोर्सेज में. एंड मेक अ शेड्यूल फॉर द रिवीजन एंड टेस्ट. रिवीजन और टेस्ट के लिए भी शेड्यूल करते रहिएगा. ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, बस एक बार पढ़े और हम ज्ञानी, इतने ज्ञानी आप नहीं कि एक बार पढ़ोगे तो दोबारा आपको कभी भूलेगा ही नहीं. जरूर रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए जब भी जहां भी आपको टाइम मिलता है. एंड सो से नो टू न्यू टॉपिक्स ड्यूरिंग द एग्जाम डेट. जो न्यू टॉपिक्स है उनको नो कहिए ड्यूरिंग द एग्जाम डेट, क्योंकि न्यू टॉपिक पे जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा. एंड मेक नोट्स फॉर फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मेक कोड्स, कोड के फॉर्म में पाथवेज एंड ट्रिक्स को याद रखने की कोशिश करें ताकि आप जितना इजी आप पढ़ सके, जितना इजी चीजों को कर सके. ये बहुत जरूरी होता है आपको इस पार्ट के लिए. सो दीज आर द सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप इसको ले सकते हैं और आगे भी मैं इन चीजों को डिस्कस करता हूं. चलिए सो वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. व्हाट शुड बी योर टिप्स, प्लान ऑफ वर्क आपका क्या होना चाहिए. अगर मैं अभी से बात करूं तो 6 और 10 जनवरी के बीच में एग्जामिनेशन होने वाले हैं. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं. क्या करेंगे 15 दिन में? अगेन, ना तो रिसोर्सेज अवेलेबल, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. सो जस्ट फर्स्ट व्हाट एवर योर प्लान ऑफ वर्क, गो टू रिस्पेक्टिव सिलेबस. क्या करना है? रिस्पेक्टिव सिलेबस पे जाइए, कुछ नहीं करना. कई लोग बुक्स इधर उधर फॉलो कर रहे हैं. गो टू द रिस्पेक्टिव सिलेबस, उसमें एक एक टॉपिक दिया है, गूगल बाबा जानते हैं, गूगल पे उन टॉपिक्स को सर्च करिए. गूगल पे उन टॉपिक्स को सर्च करिए, जो टॉपिक है गूगल पे टॉपिक सर्च करिए. एंड कोई ना कोई रिस्पेक्टिव वेबसाइट होगी, रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाइए और लर्न करिए. लर्न जस्ट ओवरव्यू. क्या करना है? जस्ट ओवरव्यू, जस्ट ओवरव्यू. अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट गो इन डिटेल. डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट लर्न द ओवरव्यू. ओवरव्यू पढ़िएगा क्योंकि ओवरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और
इसमें भी कहां पे आपको फोकस करना है, जहां पे एक्सेप्शंस है एक्सेप्शंस को फोकस करिए या की पॉइंट्स को फोकस करिए, ना कि सबको पूरा का पूरा भाषण रटने की जरूरत है, ठीक है। एक्सेप्शंस और की पॉइंट्स को फोकस करिए एंड मेक फॉर्म मेक कोड्स कोड्स बनाइए, मेक अ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। क्या करना है 10-on-1 का, कि अगर आप 10 टॉपिक पढ़ते हो, 10 टॉपिक 10 जगह से पढ़ते हो, तो एक पेज में वो समराइज हो जाना चाहिए, 10 टॉपिक को एक पेज में समराइज करिए, दैट इज व्हाट 10-on-1 अप्रोच इज देयर। क्या यूज करना है, 10-on-1 अप्रोच यूज करना है। समझ में आ गई बात, अगर समझ में आ गई तो इस अप्रोच को फॉलो करिए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, जस्ट गो टू द गूगल, इंटरनेट अवेलेबल है, व्हाट्सएप फेसबुक के अलावा, इस वीडियो देखने के अलावा भी जाइएगा, सिलेबस को टॉपिक को ले जाइए, सर्च करिए, लर्न करिए और उसको नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, अगेन उसकी बात करता हूं, तो देखिएगा एक साइट होती है जिसको बोलते हैं bok.org, यहां पे आप रिस्पेक्टिव बुक्स पे जा सकते हो, जैसे अगर कोई एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है उसके सिलेबस पे जाइए, उसके लिए एक बुक आती है हेमंत करके, ठीक है, कोई हेमंत करके बुक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स है, मैं 57 कैटेगरीज के लिए अलग अलग बुक्स बताने बैठूंगा तो सिर्फ बुक्स ही बताता रह जाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि निकलेगा कैसे एग्जाम, बुक पढ़ के भी क्या कर लोगे, सीएस एग्जाम तो निकालो ना आईसीआर का, तो वो निकालना कैसे होगा, अगेन गूगल बाबा, ठीक है, गूगल बाबा की हेल्प लो, टॉपिक्स पे जाओ, सिलेबस पे जाओ, इससे अच्छा आपका सोर्स नहीं है, ठीक है। सिलेबस पे जाओ, गूगल बाबा पे टॉपिक पे सर्च करो एंड उस पर लर्न करो, जहाँ पे गूगल पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ से आपको बुक्स भी मिल जाएगा, जो अगर आपको कोई बुक्स नहीं मिलती आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि ये बुक नहीं मिल रही, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द लिंक, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में डाल के भी पूछ सकते हो। सो सोर्स इज गूगल इज द बेस्ट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स। नाउ दैट इज व्हाट प्रैक्टिस इज द की, सबसे बड़ी बात आती है प्रैक्टिस इज द की, बिकॉज एक आपको पता है 150 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है, कैसे करोगे, एक क्वेश्चन पे अगर मैं यहां पे बात करूं तो 60 सेकंड भी नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन की अगर यहां पे बात करिए तो आप अगर डिवाइड करोगे 150 बटे 120, ठीक है, सो दैट इज व्हाट 150 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है, तो कितना टाइम है पर क्वेश्चन, दैट इज 120 बटे दैट इज व्हाट 150 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन टाइम की बात करूं सो 0.8 मिनट मतलब 0.50 सेकंड, 48 सेकंड अगर मैं बात करूं तो 48 सेकंड, ठीक है, ये मिल रहा है 48 सेकंड पर क्वेश्चन। सो यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी वेरी फास्ट, आपको ज्यादा से ज्यादा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकंड मिल रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की होनी चाहिए। अब सवाल उठता है प्रैक्टिस करें कहां से, करना कहां से, वेयर, ठीक है, ये सवाल उठता है कि करना कहां से, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि कई लोग परेशान हो रहे हैं प्रीवियस ईयर, क्यों परेशान हो प्रीवियस ईयर के पेपर, एक बुक का नाम सुना है टेस्ट बैंक ऑफ द बायोलॉजी का नाम सुना है, इस पे जाइए, अपने टॉपिक्स को पढ़िए, अपने टॉपिक्स को सॉल्व करिए। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक साइट है इंडिया बिक्स, ठीक है, उसके अलावा जिस टॉपिक का एमसीक्यू चाहिए, जिस चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए, जिस टॉपिक का एमसीक्यू, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट गूगल बाबा, ठीक है, कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप, जस्ट सपोज की वेटनरी साइंस, ठीक है, वेटनरी साइंस एमसीक्यू मिल जाएगा, वेटनरी साइंस एमसीक्यू, बीओके बताया था bok.org, इस पे टाइप करो एमसीक्यू के बारे में, यहाँ पे भी बुक्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, डाउनलोड करो इनको और पढ़ना शुरू कर दो। गूगल से ज्यादा मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन गूगल के हेल्प से की है, आप भी कर सकते हो, सिर्फ गूगल का सही यूज करो, सर्च करो पढ़ो, सिंपल सा तो आंसर है, क्या क्यों इतना फेसबुक व्हाट्सएप पे आप लोग परेशान होते रहते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो आराम से, कि प्रैक्टिस इज द की। नाउ टिप्स फॉर द प्री एग्जाम 120 क्वेश्चन 120 मिनट 150 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी 48 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। सो यहां टिप्स की बात करता हूं, सबसे पहली चीज, यू मस्ट बी एक्यूरेट।
होने से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट रखती है। अक्सर लोग इस चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं, मेरे पास सिर्फ 48 सेकेंड है एक क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी 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 करने के चक्कर में इनकरेक्ट ज्यादा कराते हैं, इनकरेक्ट ज्यादा कराते हैं। तो गाइज ये बात करिएगा, यू मस्ट बी एक्यूरेट फर्स्ट, फर्स्ट आपको एक्यूरेट होना है, उसके बाद फास्ट होना है, ठीक है। पहले इस पे ध्यान देना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि दिस इज ओनली द क्वालिफाइंग, इसका नंबर आगे नहीं जुड़ता, इसका नंबर आगे नहीं जुड़ता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ 50% लेके आने हैं, 50% लेके आने यानी 75 क्वेश्चन सही करने, यानी 75 क्वेश्चन 120 मिनट में। इसका आप सीधे सीधे करोगे तो मैं आपको बोलूंगा 80 सेकेंड हो जाएंगे, यानी 1 से 1.2 मिनट से ज्यादा, 80 से 90 सेकेंड। गाइस तो आराम से 1.5 मिनट में, कम थोड़ा टाइम ले लो, 1 मिनट ढंग से करना, ठीक है। कहने का मतलब है टेक योर टाइम एंड आप अगर 90 क्वेश्चन भी करते हो ना, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग भी होते हैं ना, तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आप पूरे 120 कर ले जाते हो, लेकिन उसमें से अगर आप 30 गलत कर देते हो तो लुटिया डूब जाने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा स्लो चल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी मस्ट बी द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एक्यूरेसी पे मत करिएगा, एक्यूरेसी पे फोकस जरूर करिएगा, एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टिप्स फॉर द प्री एग्जाम, एंड वन इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जहां जहां से गूगल पे सोर्सेज मिलता है वहां वहां से प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ईमेल आईडी अवेलेबल है, आप लोग मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ टिप्स फॉर द मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम का जो पैटर्न होता है ABC, ए पे होते हैं 40 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के वन लाइनर। कैसे होते हैं ये वन लाइनर होते हैं। नाउ बी में होते हैं 40 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के, ये होते हैं आपके वन और टू पैराग्राफ। एंड सी में होते हैं 6 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के, जिसमें कि ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं आपके, मोर देन टू पैराग्राफ जा सकते हैं, ठीक है। सो वन अगेन मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स। पहली चीज अगर आप देखेंगे तो कई लोग क्या करेंगे, पार्ट सी से शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा इसको करने में, ठीक है, ये 80-90, इस 80 मार्क्स का, ये 100 और ये है 60 नंबर का, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन में कितना भी लिख लो गाइस, उतना नंबर नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कटेगा ही कटेगा, लेकिन शॉर्ट आंसर वन लाइनर में पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो शुरुआत जो करना है वो करना है ए से, फिर बी से, फिर सी से। एक क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, क्योंकि इसको एक एक लाइन में लिखना है, और लिखने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 80 मिनट लगेगा। ये जो टाइम होता है इसके लिए 3 आवर्स मिलते हैं, 3 आवर्स मतलब 240, ठीक है, यानी 180 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। 180 मिनट्स, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 240 होते हैं, तो 80 मार्क्स, ठीक है, 240 मार्क्स के हैं। तो आराम से 80 मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद आप इस पे सेट करो 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसके लिए जो लेना है सिर्फ 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, उससे भी कम लगेगा अगर आप जल्दी जल्दी लिखते हो, 1 मिनट पर क्वेश्चन। इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ, दैट मीन्स कि ये अगर 1 मिनट पर क्वेश्चन करोगे तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट। कितना लगना चाहिए, 40 to 50 मिनट, अगर मैं विंडो लेके चलता हूँ 40 to 50। इसके लिए आप लिख लीजिए 5 मिनट, इसके लिए लिख लीजिए 5 मिनट क्वेश्चन, जो 1 to 2 पैराग्राफ की बात करता हूँ, यानी 20 into 5, दैट इज वॉट द 100 मिनट, ठीक है। अगर 5 मिनट की बात, इसको 3 मिनट रखे या 3 to 4 मिनट, दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट। 4 मिनट रखूंगा तो 80 मिनट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 120 मिनट मिला, और ये रख लीजिए आप 10 मिनट के लिए, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन, 6 into 10, दैट विल बी द 60 मिनट। ये आपका प्लान होना चाहिए, इसके लिए 40 मिनट देना है, इसके लिए 80 मिनट देना है, इसके लिए 60 मिनट देना है। ये उसी तरीके से है, जब आप इस तरीके से देंगे 4 मिनट में आप एक से 2 पैराग्राफ लिख सकते हो और आप मूव कर सकते हो। ऑर्डर यही होना चाहिए ABC। और एक चीज हमेशा याद रख रहिएगा कि हर एक क्वेश्चन में चाहे बी हो चाहे सी हो, बी एंड सी के लिए स्पेसिफिकली फ्लो चार्ट हर एक क्वेश्चन में यूज करना, फ्लो चार्ट और डायग्राम, इनमें से एक चीज हमेशा यूज करना, पूरे नंबर मिलेंगे। फ्लो चार्ट और डायग्राम फॉर एवरी क्वेश्चन, ये आपको
करना पड़ेगा, जो लोग भी मैं एक इस पे लेके आऊंगा मेंस के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं या कैसे आप डायग्राम इंक्लूड करते हैं, तो ये जरूर यू इंक्लूड करिएगा, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो दिस इज द टिप्स फॉर द मेंस एग्जाम गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टिप्स कैसे आप ICAR को टैकल कर सकते हैं। होप कि आपको मजा आया होगा एक ये वीडियो देख के, अगर आपने एक सीख लिया है कि कैसे करना है तो डेफिनेटली उसको अप्लाई करिए और क्लियर करिए ICAR, और हमेशा अपने आप से कहते रहिए आई कैन डू इट। अपने कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप गेट टारगेट कर रहे हो तो ज्वाइन करिए हमारे सेशंस को, जो कि 3rd of Jan से स्टार्ट हो रहा है, 3rd of Jan 2020 से क्रैश कोर्स, तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑलवेज से टू योरसेल्फ यू कैन डू इट गाइज, एंड डेफिनेटली यू विल डू इट, आई ट्रस्ट यू, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।